नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, अब तक 74 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो 4,18,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, वहीं 37 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,86,000 के पार, अब तक 8,000 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत, तो 1,41,000 से ज्यादा मरीज हुए इलाज के बाद ठीक। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का बढ़ा ग्राफ, आज 51 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने, प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 11,651, तो कोरोना से अब तक 264 लोगों ने गंवाई जान। आईसीसी के 95 सालाना कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन, कारोबारियों को दिया मंत्र, कहा कोरोना के साथ कई मुश्किलों से लड़ रहा देश एक साथ कर सकते हैं किसी भी आपदा का सामना। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज, जयपुर के निजी होटल में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों का ठहराव, आज शाम फिर होगी विधायक दल की बैठक, सीएम गहलोत का बड़ा बयान, कहा राजस्थान में खरीद फरोख्त के किए जा रहे हैं प्रयास।